लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था कि किसी सरफेस के नॉर्मली कितनी फील्ड लाइन है उसको क्रॉस करके जा रही है, उसी की काउंटिंग हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती थी। फिर हमने उसका मैथमेटिकल मीनिंग पढ़ा कि सपोज एक सरफेस का एरिया ए है, उस सरफेस को ई इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख दिया जाए तो फ्लक्स की वैल्यू होती है हमारी ई डॉट ए, यानी दोनों की एरिया के जो नॉर्मल की डॉट प्रोडक्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डॉट प्रोडक्ट, दोनों की डॉट प्रोडक्ट हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था। अब हमें डेरिवेशन में ये करना होगा कि हमें कोई भी एक छोटी सी सरफेस मानकर अज्यूम करके उसका छोटा सा एरिया डिफाइन करेंगे, फिर हम इंटीग्रल स्टडी से हम टोटल उस एरिया के अंदर फ्लक्स की कैलकुलेशन करेंगे। यानी हम इसको थोड़ा सा एडवांस ये ले सकते हैं, अगर हम छोटा सा एरिया करें कि ई डॉट डी एस एक छोटा सा एरिया माने, इस सरफेस के अंदर एक छोटा सा एरिया कट कर लिया डी एस एलिमेंट, हम उसके कारण छोटा सा फ्लक्स डी फाई डिफाइन करेंगे, फिर इंटीग्रेशन से टोटल फ्लक्स की कैलकुलेशन करेंगे। आगे हमारी स्टडी यही रहेगी। जैसे एक चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं, हमने एक चार्ज यहाँ रख दिया कैपिटल क्यू, हमें फाइंड करना है कि इसकी कैपिटल आर रेडियस जितना एक स्फीयर बना लिया, कि एक स्फीयर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो इस चार्ज पार्टिकल के कारण इस स्फीयर से कितना फ्लक्स आउट हो रहा है। क्वेश्चन हमारा ये है कि एक चार्ज पार्टिकल क्यू है जिसको सेंटर मान के हमने कैपिटल आर रेडियस का स्फीयर बना लिया, हमें यह कैलकुलेट करना है उस कैपिटल आर के रेडियस के स्फीयर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे एक छोटा सा एलिमेंट डीएस मान लेंगे। अब सरफेस है, क्यों चार्ज पार्टिकल के कारण इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकलेंगी वह हमेशा रेडियल होगी, यानी सरफेस के तो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही निकलेंगी ना, और इस सरफेस का आउटवर्ड एरिया हम आउटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मानते आए हैं, इस एरिया का जो आउटवर्ड डायरेक्शन एन कैप होगी वह हमारी पॉजिटिव होगी, और इस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकल रही हैं वो भी तो बाहर की तरफ ही है ना सेम डायरेक्शन में। ये हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें डिफाइन की थी तब बोला था कि किसी सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन से ही निकलती है और उस सरफेस में परपेंडिकुलर ही एंटर होती है। तो सेम टू सेम कहीं पे भी हम एक छोटा सा एलिमेंट मान लें, उस एलिमेंट का जो डीएस एलिमेंट होगा उसका नॉर्मल होगा वो भी बाहर की तरफ और इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें भी बाहर की तरफ ही होंगी, तो दोनों में एंगल जीरो डिग्री होगा, तो कोस जीरो वन होता है। तो इस एलिमेंट से निकलने वाला फ्लक्स जो होगा डी फाई वह ई डॉट डीएस आ जाएगा। ठीक, अब इस टोटल सरफेस से अगर फ्लक्स की बात की जाए तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया डी फाई का तो टोटल फ्लक्स आ गया हमारे पास इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। अब सेंटर हमारा ओ पे है, ओ से आर डिस्टेंस में कहीं पे भी चला जाऊं, इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी हमारी 1/4 pi epsilon naught वह चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डॉट डी एस। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और डी एस का डी एस हमने एज इट इज रख दिया, और ये हमारी एक क्लोज सरफेस है ना, मतलब कि सेंटर पे रखा हुआ चार्ज पार्टिकल है जो हमने सरफेस अज्यूम किया स्फेरिकल सरफेस वो इसकी एक क्लोज सरफेस है, तो क्लोज इंटीग्रल यहाँ पर चलेगा। और डी फाई का इंटीग्रेशन हम नेट कैलकुलेशन करें कि फाई नेट हमारा कितना होगा। अब ये बताओ क्यों तो कांस्टेंट है, 4 pi epsilon naught भी कांस्टेंट है और आर रेडियस का हमने स्फीयर मान रखा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर पॉइंट के ऊपर कांस्टेंट ही रहेगा, तो हमने बाहर निकाल लिया कि क्यों डिवाइडेड बाई 4 pi epsilon naught आर स्क्वायर, तो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन में रह गया डी एस, और डी एस क्या है, सरफेस का एक छोटा सा एलिमेंट है ना, डी एस है तो एक एरिया ही, और वह एरिया हमने एक छोटे से एलिमेंट का ले रखा है, तो अगर उसका मैं इंटीग्रेशन करूं तो टोटल सरफेस आ जाएगी, और टोटल सरफेस का एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस का एरिया होता है ये तो बाहरी है क्यू बाई 4 pi epsilon naught आर स्क्वेयर, टोटल सरफेस का एरिया होगा 4 pi r स्क्वेयर।
यानी जो हमने स्फीयर अज्यूम किया था उस स्फीयर का एक छोटा सा एरिया ds, अगर उस ds का इंटीग्रेशन करूँगा तो कंप्लीट स्फीयर का एक सरफेस एरिया आ जाएगा, और एक स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr² होता है। 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो फ्लक्स की जो वैल्यू आएगी वह आ जाएगी उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज था और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये एक इम्पोर्टेंट बात है हमारे लिए। अब जितना भी खेल चलेगा इसी फॉर्मूले का चलेगा। तो एक बार और समझ लो कि हमने एक चार्ज पार्टिकल O पे रखा, O पे चार्ज पार्टिकल रखने के बाद हमने R रेडियस का एक स्फीयर अज्यूम कर लिया, एक स्फेरिकल सरफेस अज्यूम कर ली, उस सरफेस पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया ds एरिया का। और हम ये पढ़ के आ चुके हैं कि किसी भी एक सरफेस का आउटवर्ड डायरेक्शन ही हम एरिया की डायरेक्शन लेते हैं, तो हमने इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ मानी। फिर हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात की कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें हमेशा सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में बाहर जाती है या फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही एंटर करती है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ ही हमारा ई जा रहा है, अगर नेगेटिव होता तो अंदर की तरफ आता, तो ये रिजल्ट हमारा नेगेटिव होता, तो यानी अंदर की तरफ हमने नेगेटिव चार्ज रख रखा था, वो भी बातें हो जाएगी। फिर हमने इसका इंटीग्रेशन किया। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि छोटे से एलिमेंट, छोटे से ds एरिया के अंदर छोटा सा फ्लक्स हमारा dφ बाहर निकल रहा है, E.ds हो गया। अब E और ds दोनों के बीच एंगल 0° है, तो डॉट प्रोडक्ट सिंपल प्रोडक्ट बन जाएगी, क्योंकि cos 0 1 होता है। अब इसको हमने यहाँ पर सोल्व कर लिया। यहाँ पर ये एक सर्कल बनाने का मतलब ये है कि हम क्लोज इंटीग्रल कर रहे हैं, यानी इस सरफेस का क्लोज, यानी इस सेंटर के अकॉर्डिंग ये छोटा सा एरिया हमने माना है ना, छोटी सी एक आर्क मानी है जिसकी रेडियस आर है, तो उस पूरे को अगर क्लोज कर दिया जाए तो हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा, तो उस पूरे को क्लोज करेंगे तो हमारा एरिया 4πr² बनेगा, तो हमारा ये रिजल्ट आया। और आज का टॉपिक हमारा यही है। गॉस लॉ मतलब एक चार्ज पार्टिकल के कारण जो नेट फ्लक्स निकलता है वह उस चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड की वैल्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। यानी नेट फ्लक्स हमारा क्या होगा, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यह होता है हमारा फ्लक्स। यानी गॉस लॉ ये डिफाइन करता है कि किसी एक चार्ज पर, किसी एक सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा है उसकी वैल्यू उस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना रखा हुआ है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, और साइंटिस्ट भी ये मैथमेटिशियन ही था, न कि फिजिशियन था, वहीं से ये पूरा कॉन्सेप्ट आया है। बट हमने जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की कैलकुलेशन की थी वह थोड़ी हार्ड थी, लेकिन इस लॉ से हम वो सारी की सारी कैलकुलेशन बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर ये चीज़ें पढ़नी होती हैं। गॉस लॉ का कहना है कि हमारा फ्लक्स, यानी अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ बोलो चाहे गॉस थ्योरम बोलो, कि नेट फ्लक्स जो होगा वह क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स क्या कहती है, ई डॉट ds फ्लक्स, नेट फ्लक्स हमारा ई डॉट ds होगा। यहाँ पर एंगल जीरो था तो डॉट प्रोडक्ट का कोस थीटा 0 1 हो जाता था, इसलिए लिखा नहीं, हर बार 0 हो जरूरी नहीं होता। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो कंपैरिजन में हमें ये मिलेगा कि इंटीग्रल जो होगा ई डॉट ds का वह होगा क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। तो ये बात हमें याद रखनी है।
गॉस थ्योरम ये कहना चाहती है कि फ्लक्स हमारा क्यों इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, और डेफिनेशन फ्लक्स की ये कहना चाहती है कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट डीएस का इंटीग्रेशन होता है। दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट यही आएगा। इसी रिजल्ट को यूज करके हमें डिफरेंट डिफरेंट सर्फेसिस के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। गॉस थ्योरम पे पहले एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। हमें ये कह दिया जाएगा कि एक सरफेस है कोई भी रैंडम शेप की, क्योंकि फ्लक्स कभी भी सरफेस पे डिपेंड ही नहीं करता। लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी। तो इसके अंदर यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम चार्ज रख दिया, यहाँ पर माइनस का 4 माइक्रोकूलम रख दिया, यहाँ पर 8 माइक्रोकूलम रख दिया, और यहाँ पर माइनस का 3 माइक्रोकूलम रख दिया। बाहर वाली साइड 1 माइक्रोकूलम है, 7 माइक्रोकूलम है, इस साइड माइनस का 5 माइक्रोकूलम है। तो इस सरफेस से नेट फ्लक्स कितना बाहर निकल रहा है या नेट फ्लक्स कितना अंदर आ रहा है, ये कैलकुलेशन करो। फाई नेट हमारा क्या होगा फ्रॉम दी सरफेस, ये कैलकुलेशन करनी है। अब गॉस थ्योरम ये कहती है कि जो फ्लक्स है वह सिर्फ और सिर्फ इनसाइड चार्ज पे डिपेंड करता है, आउटसाइड का हमें कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी लास्ट क्लास में एक एग्जांपल पढ़ा था कि एक क्यूब रख दिया हमने और बाहर एक चार्ज रख दिया, तो इस चार्ज के कारण कितना फ्लक्स होगा, इस चार्ज के कारण जितनी फील्ड लाइनें एंटर करेगी उतनी वो सारी की सारी बाहर निकल जाएंगी, यानी बाहर वाले चार्ज पार्टिकल के कारण कभी भी फ्लक्स की वैल्यू नहीं आएगी, इसका नेट फ्लक्स हमारा 0 होगा। और यही इस थ्योरम में कहा जाता है कि क्यों इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि सरफेस के अंदर कितना चार्ज है टोटल वह चार्ज काउंट करेंगे। तो इस सरफेस के अंदर सबसे पहले चार्ज ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्यों नेट कितना है इनसाइड क्यों नेट कितना है, तो 2 है, माइनस का 4 है, माइनस का 3 है, प्लस का 8 है, 8 और 2 10, माइनस 7 3 माइक्रोकूलम आ गया। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, क्यों इनसाइड कितना आया, 3 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। वोल्ट मीटर या फिर जो हमने यूनिट डिफाइन की थी वो यूनिट इसकी आप लिख सकते हो। तो इस टाइप से हमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, यानी हमें सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले चार्ज की बात करनी है, बाहर वाला चार्ज हम कंसिडर नहीं करेंगे। यही बात अगर हमें एक क्यूब की फॉर्म में कह दी जाए कि एक क्यूब है इसमें इसके सेंटर के ऊपर यानी बॉडी सेंटर के ऊपर एक क्यूब चार्ज रख दिया, तो कल हमने बात इतनी सी की थी कि इस चार्ज के कारण टोटल फ्लक्स हम फाई दे रहे हैं, तो फेस के ऊपर कितना होगा, यही चार्ज पार्टिकल यहाँ रख दिया जाए तो कितना पार्टिसिपेशन होगा इसका इस क्यूब के लिए, वो बातें की थी। बट आज तो हमने ये निकालना सीख लिया है ना कि फ्लक्स की वैल्यू होगी कितनी, क्यों इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। तो हमसे ये पूछ लिया फाइनेट डिवाइडेड बाय फाई फेस, कि चार्ज पार्टिकल के कारण जो फ्लक्स निकल रहा है वह टोटल फ्लक्स कितना है डिवाइडेड बाय एक फेस से फ्लक्स कितना निकल रहा है। तो एक क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6 होते हैं, 6 के 6 बिल्कुल सिमिलर है, यानी यह चार्ज पार्टिकल बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है ना, तो हर फेस के लिए तो साइमेट्री बना रहा है। इस रूम के सेंटर में अगर मैं चार्ज पार्टिकल रख दूंगा तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इस फेस से निकलेगी उतनी ही उस फेस से निकलेगी, उतनी ही सेम टू सेम इस फेस से निकलेगी, यानी 6 के 6 फेस से सेम लाइनें निकलेंगी। तो अगर आप डायरेक्ट आंसर देना चाहो तो फाई नेट हमारा फाई माने तो फाई फेस हमारा 5 / 6 होगा ना, यानी हमारा 6 आंसर आ जाएगा। बट हम सबसे पहले कैलकुलेट ही कर लेते हैं, हमें तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है ना कि डायरेक्ट आंसर लिखना है। फाई नेट हमारा कितना होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अंदर चार्ज कितना रखा हुआ है, क्यू रखा हुआ है।
फाइव फ्रॉम वन फेस कितना होगा? टोटल फाइव नेट डिवाइडेड बाय सिक्स होगा, क्योंकि टोटल जितना फ्लक्स निकल रहा है उसका सिक्स पार्ट ही एक फेस से निकलेगा। तो यह आ जाएगा हमारा क्यू डिवाइडेड बाय सिक्स एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों का रेशियो लेना है, तो इनको डिवाइड करोगे तो रेशियो आ जाएगा सिक्स रेशियो वन। फाइनेट रेशियो फाइव फेस, इस टाइप से हमें बातें याद रखनी है। अब अगर बात की जाए यह चार्ज पार्टिकल इस एक फेस पे होता, यानी ये जो फेस दिखाई दे रहा है ना साइड फेस, इस फेस पे अगर चार्ज पार्टिकल रख दूं तो कितनी वैल्यू होगी हमारे फ्लक्स की? तो इसको कंप्लीट कवर करने के लिए मुझे एक और क्यूब बनाना पड़ेगा, यह इजीली कंप्लीट हो जाएगा। यानी यह चार्ज पार्टिकल अपना टोटल फ्लक्स एक तो इस क्यूब को देगा और एक हमने जो बना रखा है उसको देगा। यानी यह चार्ज पार्टिकल जो क्यू था, इसका नेट फ्लक्स हमारा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट था, तो इस क्यूब के लिए यानी फाई वन के लिए कितना होगा? नेट फाई डिवाइडेड बाई टू होगा। और लास्ट क्लास में तो इतना ही सी लिख के छोड़ दी थी, आज हमें क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट और लिखना है, क्योंकि हमें फाई की वैल्यू भी पता है। सेम टू सेम अगर एक एच पे रख दिया जाएगा तो इसके कितने हिस्से होंगे? इसके चार हिस्से हो जाएंगे। अगर इस पे रख दिया जाए तो इसके आठ हिस्से हो जाएंगे, आठ में पार्टिसिपेट करेगा। तो सेम टू सेम वही बातें चलेगी। सो एक हेमिस्फीयर है, यहाँ पे क्यों चार्ज रख दिया इसके सेंटर के ऊपर, ये बताओ अब हमारा नेट फ्लक्स कितना होगा? सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है कि इसको मैं पूरा कवर करना चाहूँ तो कवर करने के लिए मुझे एक हेमिस्फीयर इसके ऊपर रखना पड़ेगा। यानी अब जाकर यह है टोटल इनक्लोज हो गया, क्योंकि हमारी जो डेरिवेशन आई थी ना कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज रखा जाए, अगर ये ऊपर वाला स्फीयर मैं इमेजिनरी न मानता तो ये क्लोज सरफेस तो नहीं थी, ये तो ओपन सरफेस थी। बट डेफिनेशन तो हमारी ये कहती है ना कि क्यों इनसाइड किसके अंदर? एक क्लोज सरफेस के अंदर। यानी क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा वह डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट हमारा फ्लक्स होता है, ये थ्योरम ये बात कहना चाहती है। तो हम जब भी चार्ज पार्टिकल लेंगे अगर वह ओपन सरफेस में दिया गया है तो हम सबसे पहले उसे क्लोज करेंगे। जैसे हेमिस्फीयर के यहाँ रख दिया, ये एक ओपन सरफेस है तो हमने इसको क्लोज कर दिया, अब यह कंप्लीट एक स्फीयर बन गया। अब कंप्लीट स्फीयर से तो फाई नेट कितना जाता है ये हमें कैलकुलेट करना है। फाई फ्रॉम यानी फ्लक्स फ्रॉम कंप्लीट स्फीयर, फाई इज इक्वल टू कितना होगा हमारा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। हम यहाँ पर ये देख चुके हैं हमें तो सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले पार्ट के लिए लेना है ना, तो नीचे वाले पार्ट के लिए और ऊपर वाले पार्ट के लिए फाई तो सेम जाता है, तो यानी इसके दो डिवीजन होंगे, आधा ऊपर जाएगा फ्लक्स आधा नीचे जाएगा। तो हमें नीचे वाली कैलकुलेशन करनी है, तो फाई जो डाउनवर्ड आ रहा है वह हमारा क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट होगा। तो इस टाइप से हमारी छोटी छोटी कैलकुलेशंस चलेगी। सेम टू सेम हमें ये कह दिया जाए कि एक फेस, एक सरफेस दे दी प्लेन सरफेस, इसकी एक हाइट के ऊपर एक चार्ज रख दिया। अब हमें कैलकुलेशन करनी है कि सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें तो हर डायरेक्शन में जा रही है ना, तो ऊपर जा रही है, साइड में जा रही है, तो कुछ लाइनें नीचे भी आ रही होंगी, तो जितनी लाइनें इसको क्रॉस कर रही है उसकी वैल्यू कितनी होगी हमें ये कह दिया। बट इसमें हमने अभी अभी ये डिफाइन किया है कि जो चार्ज पार्टिकल है हमारा वह एक क्लोज सरफेस के लिए वैल्यू इतनी बताता है फ्लक्स की, लेकिन ये तो एक ओपन सरफेस है तो हम इसको क्लोज करेंगे। इसमें इस टाइप की कंडीशंस गिवन होती है कि इसकी साइड अगर ए है ना, तो इसकी हाइट इस सरफेस से ए बाई टू है, ताकि एक परफेक्ट क्यूब बन सके, अदरवाइज क्यूबॉइड की फॉर्म दे देगा। मीन्स एक ऐसी कैलकुलेशन जरूर देगा जिससे ये चीज़ सेंटर पे आ जाएगी, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी।
तो अगर a बाई टू के ऊपर है तो हम क्या करेंगे, a साइड का एक क्यूब बना लेंगे। तो अब ये क्या आ गया, सेंटर पे आ गया, और सेंटर पे आ गया इसके कारण जो नेट फ्लक्स निकलता है वह नेट फ्लक्स हमारा q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। q बाई एप्सिलॉन नॉट तो हमारा नेट फ्लक्स आया, बट हमें तो सिर्फ और सिर्फ इस सरफेस के लिए कैलकुलेशन करनी है। और इस सरफेस के लिए क्या, यह छठा पार्ट इसके अंदर पार्टिसिपेशन देगा, मीन्स टोटल इसके छह फेस है, तो एक फेस से कितना निकलेगा फाइव, जो हमारा आंसर होगा फाइव नेट डिवाइडेड बाई सिक्स आएगा, यानी q बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो ये सारी की सारी कैलकुलेशंस थी हमारी गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स निकालने की, कि हमारा नेट फ्लक्स कितना होगा। कई बार हमें नेट फ्लक्स की वैल्यू दी जाएगी, यानी नेट ये कह दिया जाएगा इससे इतनी फील्ड लाइनें बाहर निकल रही है, ये बताओ उसके अंदर कितना चार्ज था, वह चार्ज पॉजिटिव था या नेगेटिव था। इस टाइप की कैलकुलेशन अगर हम देखें, जैसे एक क्यूब भी मान लो जिसका मैं सिर्फ एक फ्रंट फेस बना रहा हूँ, कि इससे 10 फील्ड लाइनें बाहर निकली, 20 इस साइड निकली, 15 एंटर की और 25 इस साइड निकल गई, तो नेट फ्लक्स कितना हुआ। इसमें हमें ये पूछ लिया कि अंदर चार्ज की वैल्यू बताओ कितनी है। डायग्राम दे दिया गया कि एक क्यूब से तीन डायरेक्शन में तो 10, 20 और 25 निकल रही है, और एक फेस से इसके अंदर 15 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें एंटर कर रही है। तो अब हमें ये कैलकुलेशन करके बताओ कि अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है, वह चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये कैलकुलेशन बतानी है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि नेट फ्लक्स हमारा है कितना। नेट फ्लक्स इन लाइनों की काउंटिंग ही होगा ना, और हम जानते हैं बाहर निकलने वाली लाइनें पॉजिटिव होती है और एंटर करने वाली को हम नेगेटिव कंसीडर करते आए हैं। तो बाहर कितनी निकल रही है, सबसे पहले उनकी कैलकुलेशन कर लो, और अंदर कितनी आ रही है, 15 आ रही है, तो ये कैलकुलेशन हमारी कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी, यानी नेट फ्लक्स हमारा 40 हुआ। और गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग नेट फ्लक्स की वैल्यू क्यों इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होती है, तो क्यों की वैल्यू कितनी आ गई, 40 इंटू एप्सिलॉन नॉट आ गई। तो इस टाइप से हमें इनके आंसर्स कैलकुलेट करने होंगे।